ये आज हमें मौका मिल गया एंटर होने का, तो आप लोगों को हमने कवर करके दिखाया। ये सारा जो है जंगे बदर का मैदान था, और अब ये जंगे बदर का ग्रेवयार्ड है। बदर के मैदान पे पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं तकरीबन। बदर का मैदान जो है ये वो मैदान है जहाँ पे गज़वा बदर हुआ था, जंग हुई थी, और उसके बाद जो है फिर सहाबा कराम का कब्रिस्तान भी यहीं बनाया गया था, जो जो शहदा थे उनको यहीं दफनाया गया था मैदान बदर के अंदर ही। लास्ट टाइम जब मैं आया था मैदान बदर के अंदर, तब जो है ये वॉल जो है जो आपको अब नज़र आ रही है, ये वॉल नहीं थी, ये वॉल अभी न्यूली बिल्ड कर रहे हैं। तो ये गज़वा बदर का मैदान यहाँ से शुरू होता है, और ये हम अभी आपको दिखाएंगे भी फर्दर आगे, और ये वॉल जो है बन रही है। तीन सौ तेरह सहाबा ने 7 अरब मुसलमानों के लिए, आज के 7 अरब मुसलमानों के लिए यहाँ से स्टार्ट किया था। किसी बड़े कॉज के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और जो सेक्रीफाइस करते हैं मे बी वो गेन ना कर सकें। गज़वा बदर उसकी एक परफेक्ट एग्जांपल है। जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उन्होंने ज़ाती तौर पे गेन नहीं किया, लेकिन हम लोगों को फ़ायदा हुआ। आज हम लोग जो हैं वो 7 बिलियन हैं इस ज़मीन के ऊपर। यहाँ पे शहदा के नाम हैं, उनमें जो हज़रत माउस बिन हारिस और औफ बिन हारिस, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, ये वो सहाबा छोटे बच्चे थे जिन्होंने इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल का सर तन से जुदा किया था। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही करबनाक हिस्ट्री है गज़वा बदर की। 313 सहाबा किस जाफिशानी से लड़े, अल्लाह पाक ने कुरान में इस चीज़ को कन्फर्म किया कि उन्होंने फरिश्ते भेजे अल्लाह पाक ने इन सहाबा की मदद के लिए, और अपने से 3 गुना ज़्यादा बड़े दुश्मन पर हावी हुए। 313 में से सिर्फ 75 लोग थे जो सवार थे, बाकी सहाबा पैदल थे, उनके पास हर्ब के पूरे सामान भी नहीं थे। 622 ईस्वी के अंदर ये वाक़या जो है यहाँ पे रूनुमा हुआ, और ये वो मैदान है जहाँ पे, ये वो एग्जैक्टली मैदान है जहाँ पे लड़ाई हुई, जहाँ पे जंग लड़ी गई। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कब्रें हैं। सऊदी कल्चर के अंदर जो बेसिकली जो ग्रेव होती है उसके ऊपर एक ईंट इस तरह से रख के निशान बना दिया जाता है, तो वी डोंट नो कि कौन सी ग्रेव है, कौन सी नहीं है, कौन सी किसकी है, वी रियली डोंट नो, बट ये वो जगह है, ये एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा अकराम जो है उन्होंने पहला मार्का लड़ा था। मक्का की तरफ जो है वो काफ़िले आया करते थे, तो तजारती काफ़िलों में जो अबू सुफियान का तजारती काफ़िला था वो सबसे बड़ा था। इस गज़वा की स्टार्ट ऐसे हुई कि अबू सुफियान को बताया गया, क्योंकि कुफार मक्का चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन करके मदीना की तरफ आ गए हैं उनको रोका जाए इस्लाम को फर्दर फैलने से, और उनको इस चीज़ का वाइल हल नज़र आता था किसी तरीके से मुसलमानों की जो माइनॉरिटी है इस वक्त थोड़ी तादाद में है इनको मार दिया जाए, क्योंकि अगर ये रह गए तो फिर ये बहुत फैल जाएंगे। तो उन्होंने अबू सुफियान को ये कन्विंस किया कि आपका सबसे बड़ा काफ़िला आ रहा है तजारती काफ़िला मक्का की तरफ, उसके ऊपर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा जो हैं वो अटैक करके उसको लूटना चाहते हैं।
अबू सुफियान ने जो है उस चीज़ के ऊपर जो है वो एक लश्कर तश्कील दिया और उन्होंने मक्का से कूच किया बदर के मकाम के ऊपर आके, और ये वो मकाम है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना से कूच किया और बदर के मकाम पर आ गए। ये देख सकते हैं आप, ये सारा कब्रिस्तान जो है ये ऊपर नहीं था। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ से एंटर कर गए हैं, अदरवाइज़ लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पर बाढ़ लगी हुई थी। ये अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो हम समहाउ जालियाँ नहीं लगी थी तो एंटर कर गए हैं, तो ये क्लोज़ कर दिया जाएगा। ये नीचे आप देख सकते हैं एक पैदल चलने का रास्ता है और सारा कब्रिस्तान है यहाँ पे, और ये दरमियान में जितनी जगह हैं ये तमाम की तमाम जो हैं ये कब्रें हैं। ये इनमें से कुछ सहाबा की होंगी और कुछ जो है वो डेफिनेटली बाद में लोगों ने भी यहाँ पे जो है अपने अजीज़ो अकारिब को, अपने रुफका को दफन किया होगा। पहली दफ़ा मुझे मौका मिल रहा है, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं कब्रिस्तान के अंदर नहीं एंटर हो सका था। आई कॉन्ट एक्सप्लेन द फीलिंग्स नाउ कि यहाँ पे जो शहदा हैं पहले गजबा के, वो लोग जो बेसर समानी के आलम में लड़ने को तैयार थे, वो लोग जो बेलौस थे जिन्हें कुछ नहीं चाहिए था, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे अपने आने वाली नस्लों के लिए, हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान की, आप उनके ईमान का लेवल चेक करें, आप उनकी डेडिकेशन का लेवल चेक करें, उनके यकीन का लेवल चेक करें, क्या होगा कि जिन लोगों ने ये अरब रिवाज के मुताबिक ये तमाम कब्रें हैं लेकिन किसी का नाम मेंशन नहीं है, वी डोंट नो कि कौन सी ग्रेव किसकी है, इसको थोड़े से पत्थरों से कवर किया गया है और साथ पे जो है वो दो पत्थर लगाए गए हैं, दैट इज़ द मैक्सिमम स्टाइल जो ग्रेव बनती है। हमारे इंडो पैसिफिक तरह की ग्रेव नहीं बनती जिस पे कतबे लगे हैं और ऊपर। गज़वा बदर जो है वो हमें सिखाता है कि किस तरह आपने अपनी ज़ात से ऊपर के बारे में सोचना होता है, किस तरह आपने अपनी जनरेशन के फ्यूचर्स के लिए लड़ना होता है, किस तरह आपने हक के लिए खड़े हो जाना होता है। मुसलमानों को जो है वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए और उनसे उनको फेयरफुल भी होना चाहिए। बहुत बड़ी कुर्बानी दी इन साहबा ने। ये लोग जो थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ स्टार्ट में आए, ये लोग कौन थे? ये लोग ताकतवर लोग नहीं थे, ये लोग गरीब लोग थे, बहुत सारे गुलाम थे कुफारे मक्का के, और ये लोग जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हुए। गारे सौर का जो मैंने कवर किया है, दिस कनेक्ट्स वेरी स्ट्रॉन्गली विद गारे सौर, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने हिजरत की मक्का से मदीना, अपनी जानें बचा के वहाँ से आए, अपने नबी के हुक्म पर डेफिनेटली, किसी के डर से नहीं, और उसके बाद ये वो लोग थे जिन्होंने मदीना में आके 2 साल अराउंड मदीना में गुजारे, जिसके बाद ये गज़वा बदर हुआ। तो महाजरीन जो हैं जब वो हिजरत करके मदीना में आए तो उसके 2 साल बाद ये गजबा हुआ, क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग भी कुफारे मक्का को ये लगता था कि ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये चंद थे हिजरत के वक्त, अब ये सैकड़ों में हो गए हैं, फिर ये हज़ारों में हो जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि तमाम लोग अपने फ़ैसले करते हैं और अल्लाह ताला अपना फ़ैसला करता है, और अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। तो उसने फ़ैसला किया इस मैदान को, जो आज एक ग्रेवयार्ड है शहदा का, इस मैदान ने ये साबित किया कि तादाद मैटर नहीं करती, हर्ब मैटर नहीं करते, अल्लाह की नुसरत मैटर करती है, उसके बाद कुछ मैटर करता है तो करता है। तो अगर आपके पास, आपके साथ अल्लाह की नुसरत हो, उसके लिए आपका ईमान का लेवल भी फिर वो होना चाहिए, जब आप अल्लाह से नुसरत मांगें तो आप डिज़र्व भी करने चाहिए उसके लिए। ये आज हमें मौका मिल गया एंटर होने का, तो आप लोगों को हमने कवर करके दिखाया। ये सारा जो है जंगे बदर का मैदान था और अब ये जंगे बदर का ग्रेवयार्ड है। दुआ में याद रखिएगा, और आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन हो उसके मुताबिक तो बताइएगा, और अगर
बदर से रिलेटेड कोई और ऐसी जगह हो तो बताइएगा जहाँ मैं विजिट कर सकूँ। थैंक यू।